हरारत का एक जगह से दूसरी जगह फील होना। तो हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो साथ पढ़ा था कि हरारत तीन तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह फील होती है। सबसे पहले हमने कंडक्शन पढ़ा। कंडक्शन में हमने ये देखा था कि जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, लेकिन उसमें जो उस मीडियम के दरात या उस चीज के दरात जिसमें जो हीट ट्रांसफर होती है उनके जो पार्टिकल है वो एक्चुअल मूवमेंट नहीं करते, मतलब वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते बल्कि अपनी जगह पर रहते हुए ही जो हीट है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसी जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इसको हमने कंडक्शन कहा था। आज हमने कन्वेक्शन पढ़ना है, ये उससे मुख्तलिफ है। बेटा इंतकाल हरारत का वो तरीका जिसमें मीडियम के मॉलिक्यूल्स हकीकत में हरारत जज़्ब करने के लिए हरारती नदी के मंबे यानी के सोर्स की तरफ आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, कन्वेक्शन कहलाता है। उसमें तो हमने ये पढ़ा था ना, अपनी जगह पर रहते हुए वो वाइब्रेट करते हैं और टकराने के दौरान वो हीट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कंडक्शन में, लेकिन बेटा कन्वेक्शन में ऐसा नहीं है। कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा ना हरकत कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा ना हरकत करते हुए एनर्जी जो हरारत है उसको जज़्ब करने के लिए जो सोर्स होता है जहां से हरारत पैदा हो रही होती है उसके करीब आते हैं, वहां से हरारत को लेकर जाकर फिर दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव, मतलब कि वो हकीकत में हरकत करते हैं जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं, वो टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का जो सोर्स होता है उसकी तरफ वो अब्सॉर्ब हीट एनर्जी को जज़्ब करने के लिए एंड देन मूव अवे फ्रॉम इट और बाद में इससे दूर चले जाते हैं। इट्स कॉल्ड कन्वेक्शन, हम इसको कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कंडक्शन का अमल सिर्फ ठोस अशिया में होता था, लिक्विड और गैस में नहीं होता था, तो ये इसके बिल्कुल उलट है। कन्वेक्शन का अमल ठोस अशिया में नहीं होता, सॉलिड चीजों में बिल्कुल नहीं होता, और लेकिन जो लिक्विड है और जो गैसेज है उनमें कन्वेक्शन का अमल होता है। ठोस अशिया के मालिक्यूल, बेटा कन्वेक्शन के लिए आपको पता है कि ज्यादा ना मालिक्यूल की जरूरत होती है जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से हरकत कर रहे हो, लेकिन ठोस अशिया में हमने ये पढ़ा होगा कि जो इनके मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और आपस में बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो ज्यादा ना हरकत नहीं कर सकते, इसलिए जो ठोस अशिया में कन्वेक्शन मुमकिन नहीं है क्योंकि इनमें ज्यादा मालिक्यूल ही नहीं है। कन्वेक्शन में बेटा हरारत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा मालिक्यूल की जरूरत होती है। मालिक्यूल ऑफ सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली टूगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली टू, देयर फॉर कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। इस वजह से जो सॉलिड है बेटा उनमें कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें फ्री मॉलिक्यूल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया और गैसों में कन्वेक्शन का अमल क्यों होता है? बेटा क्योंकि इनमें फ्री मॉलिक्यूल होते हैं, माया और गैस दोनों में फ्री मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड में नहीं होते, उनमें कन्वेक्शन का अमल नहीं होता, इनमें फ्री मॉलिक्यूल होते हैं इसलिए इनमें कन्वेक्शन का अमल होता है। कन्वेक्शन सिर्फ माया और गैस में मौजूद होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल ज्यादा ना हरकत कर सकते हैं, जबकि ठोस या सॉलिड की जो पार्टिकल है वो ज्यादा ना हरकत नहीं कर सकते, इसलिए उनमें कन्वेक्शन का अमल नहीं होता। कन्वेक्शन अक्सर इन लिक्विड एंड गैसेज ओनली बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। लास्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्शन करंट से क्या मुराद है? डिपेंड बाय कन्वेक्शन करंट, बेटा पानी या हवा के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हरकत को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, उनकी जो ऊपर और नीचे की तरफ हरकत होती है उसको कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एयर, पानी और हवा दोनों के मॉलिक्यूल की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 400 क्वेश्चन पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह।